good morning student. jai shri swami narayan how are you all i hope you all are fine now move on to standard 6 chapter 4 integers exercise 4 e student but first we learn about the sum rule of division of integers the both number right now positive divide by positive integers is answer is always in plus sign right it means a uh, positive integers one negative integers divide by another negative integers answer is a positive integers but one negative or one positive integers divide by or one negative or one positive one positive or one negative divide the sum the both answer is a negative integers this is the rule of division of integers now student move on a exercise number 4 E. Look at that in your textbook. Exercise 4e. Uh, question number 1. First one is 85 divided by, by minus 17. One is the positive integers, then second is the negative integers. Right? So, student, what do first? So, that is the answer 85 divided by, by ka kya ho divide, 17. ओके okay, तो अभी हमने पहले आपको पता है जब बहुत बार हमने टेबल रिवाइज किए हैं टेबल कहाँ पे यूज होंगे डिवाइड डिवाइड में ओके okay? सो so, हम किस तरह से इसे डिवाइड करेंगे 17 के टेबल में एटी फाइव सेवनटीन फाइव एटी फाइव राइट तो आंसर आएगा माइनस सेवनटीन है इसलिए वन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आंसर आएगा ओनली माइनस तो इस तरह से हमें आंसर लेने हैं सेकेंड है सेवनटी टू एटीन तो माइनस सेवेंटी टू डिवाइड बाई एटीन एटीन फोर जा सेवेंटी टू बट आंसर आएगा माइनस फोर राइट थर्ड वन माइनस एटी डिवाइड बाय इलेवन अब देखिए माइनस एटी डिवाइड बाय सिक्सटीन वन सिक्सटीन सो सिक्सटीन के टेबल में माइनस एटी एटी कब आएंगे सिक्सटीन फाइव जा लेकिन वन है नेगेटिव और वन है पॉजिटिव इसलिए आंसर आएगा ओनली माइनस फाइव माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी बाय ओनली इलेवन 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 जा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन सो आंसर आएगा माइनस इलेवन इजी सम से सारे के सारे वन हंड्रेड एट डिवाइड बाय ट्वेल्व सो हाउ वन हंड्रेड एट डिवाइड बाय ट्वेल्व ट्वेल्व नाइन जा माइनस ट्वेल्व है आंसर में तो वन हंड्रेड एट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स हंड्रेड एट आते हैं आपको ट्वेंटी का अगर टेबल आता है तो इसमें आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं ट्वेंटी थ्री सेवन या माइनस वन हंड्रेड सिक्सटी वन होता है लेकिन माइनस है इसलिए आंसर आएगा माइनस सेवन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके नाउ मोहाना नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है सारे के सारे सेवेंटी सिक्स भी माइनस है यानी माइनस सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाय माइनस नाइनटीन बहुत इंटीजर्स तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में नाइनटीन के टेबल में सेवेंटी सिक्स कब आएगा नाइनटीन फोर जाए तो आंसर आएगा ओनली ऑन फोर ओके नाउ नेक्स्ट वन माइनस वन फोर्टी सेवन डिवाइड बाय माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी में वन फोर्टी सेवन तब आएंगे सेवन ट्वेंटी जब वन फोर्टी सेवन लेकिन बहुत इंटीजर्स आंसर आएगा पॉजिटिव सेवन नेक्स्ट वन अगर बड़े बड़े है आपको तो आपको डिवाइड करने होंगे मल्टीप्लाई करके राइट डिवाइड बाय माइनस वन तो सेवनटी वन का अगर डिवाइड आप करेंगे सिक्स थर्टी नाइन से तो आंसर आपको मिलेगा Only नाइन लेकिन इसके लिए आपको सेवेंटी वन का बहुत बार मल्टीप्लीकेशन करके इसका डिवाइड लेना होगा लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आंसर इज नाइन राइट देन बिगर वन ये भी बड़ा डिजिट है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बहुत हाँ नेगेटिव इंटीजर्स है इसलिए आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे आपको मल्टीप्लाई करके वन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई करके ये लेना है तो वो आप मल्टीप्लाई करके आंसर लेंगे तो आंसर आएगा 125 दोनों नेगेटिव है इसलिए आंसर आएगा पॉजिटिव ओके देन 2067 डिवाइड बाय माइनस वन यानी कि 1 167 डिवाइड बाय माइनस वन वन नेगेटिव वन पॉजिटिव आंसर सेम आएगा लेकिन वो आ जाएगा 2067 माइनस में ओके नेक्स्ट वन इज अ कैसा आएगा इसलिए माइनस वन इज द आंसर थर्टीन वन जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलवेज जीरो जीरो डिवाइड बाय माइनस टू हंड्रेड सेवेंटी लेकिन आंसर क्या आएगा जीरो थ्री थाउजेंड का डिवाइड करेंगे आप माइनस हंड्रेड से तो वन नेगेटिव वन पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर आएगा माइनस थर्टी राइट तो सारे के सारे इस तरह से हमें आंसर लेने हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट इसलिए आपको कोई भी हार्ड नहीं लगेगा इसमें ओके नाम क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द क्वेश्चन इज द फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए एक डिजिट दिया गया है एटी डिवाइड बाय माइनस फाइव तो हमें इसका आंसर किस तरह से लेना है माइनस फाइव तो आंसर आ रहा है इसका तो हम एटी को किससे डिवाइड करेंगे सिक्सटीन से यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे कितना आएगा माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव या को डिवाइड करो माइनस फाइव से एक पॉजिटिव है आंसर नेगेटिव इंटीजर्स है तो एक नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए इसलिए माइनस सिक्सटीन इज द आंसर राइट एटी फोर है एटी फोर आंसर आ रहा है माइनस सेवन तो एटी फोर सेवन में कब आएंगे ट्वेल्व सेवन एटी फोर लेकिन वो आएंगे पॉजिटिव ओनली ट्वेल्व तो आंसर आएगा माइनस सेवन देन माइनस फाइव आंसर कैसा है ट्वेंटी फाइव पॉजिटिव यानी दोनों माइनस होंगे यानी कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे यहां पे तो कितने करेंगे ट्वेंटी फाइव अगर वन डिजिट ढूंढना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी या वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे आएगा माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट right? जीरो से है तो आपको पता है आंसर ऑलवेज जीरो ही डिवाइड का आता है वन है माइनस वन हंड्रेड एटी सिक्स है तो यहाँ पे भी माइनस होंगे वो भी कितने हैं माइनस वन हंड्रेड एटी सिक्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी आंसर आया नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वन हंड्रेड एटी सिक्स देन सेवनटीन और टू तो यहाँ पे कितना होगा आंसर हमें फाइंड किया है तो हम अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दे सेवनटीन मल्टीपल बाय टू यानी थर्टी फोर लेकिन थर्टी फोर कैसे आएंगे माइनस क्योंकि आंसर नेगेटिव इंटीजर्स में है और सेवनटी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है दे 165 सिक्सटी माइनस वन तो आंसर अगेन 165 होगा लेकिन माइनस में दोनों का सेम डिजिट रखेंगे डिवाइड तो आंसर माइनस वन लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए देन माइनस वन इज द सेवनटी थ्री तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस सेवनटी थ्री बिकॉज सेवेंटी थ्री इज द पॉजिटिव इंटीजर्स तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में डिवाइडेड होगा राइट right? और वन का फिर से हम माइनस वन से करेंगे आंसर तो आएगा माइनस वन तो इस तरह के हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर मिले अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तीन ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में छोटी सी एक्सरसाइज और इजी एक्सरसाइज है राइट राइट ट्रू एंड फॉल्स। सो स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स में हम देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए पहले से हमें सिर्फ राइट करना है ये ट्रू है या फॉल्स तो हमें इसके बारे में लिखना है ट्रू है कि फॉल्स तो फर्स्ट वन है जीरो डिवाइड बाय माइनस सिक्स आंसर जीरो तो क्या आएगा ट्रू क्योंकि जीरो से करेंगे तो आंसर क्या आता है हमेशा ट्रू राइट सेकंड वन माइनस देखिए माइनस सिक्स को माइनस आइट डिवाइड बाय जीरो इज अ इस तरह का कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया है लेकिन उसमें आंसर आएगा फॉल्स बिकॉज जीरो डिवाइड बाय माइनस सिक्स इज

फॉल्स बिकॉज यहाँ पे ओनली क्या आना चाहिए फोर क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर सो इट इट इज ट्रू माइनस एटीन माइनस नाइन इज आंसर इज ट्रू सॉरी माइनस एटीन एंड नाइन डिवाइड इज अस टू सो आंसर इज अ ट्रू बिकॉज वन आर नेगेटिव सो आंसर इज अ टू बट माइनस टू इज अ करेक्ट आंसर सो अगेन इज ट्रू सिक्स वाला ट्रू से ट्वेंटी डिवाइड फाइव है ट्वेंटी फॉर माइनस इज अ करेक्ट आंसर सो इट इज अगेन ट्रू वन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर से इसके यहां पर नेगेटिव इंटीजर आंसर आएगाट इज द आंसर ऑफ

प्ले के होमवर्क आज छोटा सा एक्सरसाइज हमने सोल्व किया है वही आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन ये सारे आपको आपकी मैथ्स की जो एच डब्ल्यू बुक है उसमें आपको करने हैं ओके सो आई होप आपको ये डिविजन ऑफ इंटीजर्स है ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे डिविजन ऑफ इंटीजर्स ये तीनों क्वेश्चन आपको आपकी मैथ्स की एच डब्ल्यू बुक में करने हैं। ओके okay, तो अभी आप घर पे रहिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से हम वो कीजिए थैंक यू अ नाइस डे